अब बी वाली टर्मों को आप सेपरेट करोगे, आपका एलसीएम आ रहा है भाई 1 + b² तो 1 का मल्टीप्लाई b से तो माइनस का बी, बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई बी से तो माइनस का बी क्यू, बी से आपका वी कैंसिल। अब जो टर्म आएगी आपके एक्स डीबी बाई डी एक्स एकस्ट हो, ये आपका बनेगा माइनस का बी क्यू और अपॉन में आएगा आपका 1 + b². टर्मों को सेपरेट कीजिए भाई, बी वाली टर्म को इधर भेजिए भाई, 1 + b² अपॉन में आ जाएगा बी क्यू इंटू में डी बी, डी एक्स आपका ऊपर और अपॉन में एक्स, और ये भी किसका भाई माइनस का। तो एक्स वाली टर्म आपने अलग की, बी वाली टर्म आपने अलग की और दोनों को किया कर दिए भाई समाकलन। तो समाकलन करने के लिए 1 upon bq dB और ये बचेगा 1 upon b dB और ये माइनस का dx upon x। एक्सी पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई, एक्सी पावर n+1 upon n+1। एक्सी पावर n का जो इंटीग्रेशन होगा आपका होगा एक्सी पावर n+1 upon n+1। तो देखिए b की पावर -3 आपके ऊपर और -3 का जो इंटीग्रेशन होगा -3+1 upon -3+1, यानी कि b की पावर -3+1 upon -3+1। इसका होगा आपका log b, इसका होगा आपका log x और जो भी आप नियतांक यूज कर रहे हो log c। अब देखिए इसका जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा भाई 1 - 1 upon 2b² + log b और ये माइनस का log x प्लस का log c। इनको इधर ले जाइए भाई, इनको इधर ले जाइए, 2b² को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा log b प्लस का log x माइनस का log c 1 upon 2b² log m प्लस n log mn तो log bx log m माइनस n अपॉन में आ जाएगा आपका c 1 upon 2b² एंटी लॉग लीजिए भाई, एंटी लॉग लीजिए, इसे सॉल्व कीजिए भाई। तो यहाँ से आप लोगे एंटी लॉग और एंटी लॉग लेने के बाद आप इसे सॉल्व करोगे, तो एंटी लॉग लीजिए भाई, तो आप एंटी लॉग लीजिए भाई, ये होगा आपका वी एक्स अपॉन सी ई की पावर 1 upon 2b² तो वी एक्स इक्व टू सी ई की पावर 1 upon 2b² अभी b और x के पद में आपका आंसर निकल के आ गया भाई, लेकिन आपको जो आंसर है वो x और y के पद में चाहिए। तो x और y के पद में निकालने के लिए आप y बराबर क्या रखते हो, बी एक्स, तो b बराबर y अपॉन x रखने पर, तो b बराबर y अपॉन x रखने पर, तो रखिए भाई, तो ये आएगा yx इंटू x c e की पावर 1 upon 2y² और ऊपर चला जाएगा आपका x² अब x से आपका x कैंसिल, y = c x² upon 2y² जो कि दिए हुए अवकल समीकरण का अभिष्टल है। यहां भी आप रख सकते थे भाई वैल्यू, जो कि दिए हुए अवकल समीकरण का अभिष्ट अल है। दिए हुए अवकल समीकरण का अभिष्ट अल है, ठीक है भाई, जो कि दिए हुए अवकल समीकरण का कैसा हल है भाई, अभिष्ट अल है। इस प्रकार आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भाई और आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, और क्वेश्चन ले सकते हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 19 है। तो देखिए भाई, जैसे क्वेश्चन नंबर 16,
लिख लिया होगा भाई आपने, साथ के साथ लिखने का प्रयास कीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन आर गिवन। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है आपका एक्स बाई लॉग एक्स अपॉन बाई डी एक्स प्लस का वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन बाई डी वाई बराबर जीरो। इसे करोगे भाई आप सॉल्व, तो कीजिए भाई सॉल्व। तो सबसे पहले समघात पहचानने के लिए y अपॉन x में होना चाहिए भाई, ये x अपॉन y में बन रहा है आपका, ये आपका x अपॉन y में बन रहा है, तो ये समघात हो गया, ये भी समघात हो गया। तो सबसे पहले आप dy by dx निकालोगे, तो देखिए भाई dy by dx तो y के अपॉन में dy के अपॉन में आएगा dx, तो निकालिए भाई, ये आपका dy है इसके अपॉन में तो जाएगा dx और ये वाली टर्म जाएगी इसके अपॉन में, तो दीजिए भाई, तो एक्स बाई लॉग एक्स अपॉन बाई के अपॉन में कौन सी टर्म जाएगी, ये वाली टर्म, तो ये आ रही है आपकी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन बाई प्लस डी वाई के अपॉन में जाएगा आपका डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। क्या आपकी अवकल समीकरण समघात है भाई, होमोजीनियस है, तो देख सकते हो वन अपॉन वन होमोजीनियस, वन और वन टू डिग्री ऊपर और टू डिग्री आपका नीचे आ रहा है, तो होमोजीनियस है। यहां से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, चाहे तो आप इसे एक्स अपॉन वाई में कन्वर्ट कर लो या वाई अपॉन एक्स में कन्वर्ट कर लो, जैसे भी आप चाहो वैसे आप इसे कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे इसे y अपॉन x में बनाना है आपको, तो यहाँ से कितना कॉमन निकालना पड़ेगा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कॉमन निकालिए भाई, x स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो एक x से एक x कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा y अपॉन x, x y log x अपॉन y, x स्क्वायर कॉमन निकालिए भाई, तो ये बचेगा y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर log x अपॉन y प्लस का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना निकल के आएगा भाई आपका, एक एक्स से आपका एक एक्स कैंसिल, तो वाई बाई एक्स माइनस का वाई बाई एक्स लॉग एक्स अपॉन वाई और ये वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस लॉग एक्स अपॉन वाई। ठीक है भाई, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी भाई। समीकरण एक समघात अवकल समीकरण है, समीकरण एक समघात अवकल समीकरण है। मान लेंगे भाई, माना बी बराबर वाई अपॉन एक्स, यानी कि y इक्वल टू कितना हो गया आपका वी एक्स, तो dy by dx निकालिए, dy by dx इक्वल टू v प्लस x dv by dx। मान कहाँ रखेंगे भाई आप, एक में, तब एक से प्रतिस्थापित कीजिए भाई वैल्यू, समीकरण एक में वैल्यू रखिए भाई, समीकरण नंबर एक में वैल्यू रखिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आएगा आपका कितना भाई, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ये आपका बी, ये लॉग ये वन अपॉन बी, ये आपका बी स्क्वायर माइनस लॉग ये वन अपॉन बी एक्स अपॉन वाई है भाई, तो वाई अपॉन एक्स कितना होगा 1 अपॉन बी।
अब इसे सॉल्व करेंगे, बी वाली टर्मों को अलग करेंगे भाई, तो एक्स डी बी बाई डी एक्स इक्व टू माइनस बी लॉग वन बाई बी अपॉन बी स्क्वायर लॉग वन बाई बी माइनस का बी। एलसीएम लीजिए भाई, इसे सॉल्व कीजिए, एलसीएम निकालिए भाई। तो इसका जो एलसीएम आएगा आपका, तो ये तो टर्म चल रही है आपकी बी लॉग वन बाई बी, इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए वी क्यू माइनस माइनस प्लस वी लॉग वन बाई बी और अपॉन में आ रहा आपका वी स्क्वायर लॉग वन बाई बी। इस वाली टर्म से आपकी ये वाली टर्म कैंसिल होगी, वी लॉग वन अपॉन बी से माइनस का बी लॉग वन अपॉन बी आपका कैंसिल होगा भाई। जैसे ये टर्म कैंसिल होगी तो अब आपकी जो टर्म बचेगी वो होगी आपकी माइनस का बी क्यू। तो इसे क्या लिख सकते हो भाई, बी स्क्वायर इसे लिख सकते हो आप लॉग वन माइनस का, ये माइनस पहले लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस लॉग बी, लॉग वन माइनस का लॉग बी। तो लॉग वन की जो वैल्यू होती है आपकी, लॉग वन की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है भाई आपकी, जीरो। तो लॉग वन की वैल्यू आप जीरो रख सकते हो, तो बी वाले पदों को फिर अलग करोगे और एक्स वाले पदों को अलग करोगे और समाकलन करोगे भाई, ठीक है भाई। तो दिस इम्प्लाइज यहां से बचेगा आपका एक्स डी वी बाई डी एक्स एक कॉस्टो माइनस बी क्यू लॉग वन की वैल्यू जीरो, लॉग एम माइनस एन फॉर्मूला अप्लाई किया आपने, तो यहां से बचा आपका बी स्क्वायर प्लस का लॉग बी। टर्मों को अलग कीजिए भाई, बी स्क्वायर माइनस का बी अलग अलग कीजिए भाई, बी स्क्वायर या वन अपॉन बी में ही रहने दीजिए भाई, वन अपॉन बी में ही रहने दीजिए, देख लेंगे इंटीग्रेशन की आवश्यकता पड़ेगी। बी स्क्वायर वन अपॉन बी अलग अलग कीजिए भाई टर्मों को, बी स्क्वायर प्लस लॉग वन अपॉन बी आपका ऊपर जाएगा और अपॉन में कितना आएगा भाई आपका वी क्यू, और बराबर में आएगा आपका ये आपका चला जाएगा ऊपर भाई डी एक्स अपॉन एक्स माइनस का। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे भाई, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटीग्रेट करना है भाई आपको इसको, रिजन हुई नहीं है अभी, वो तो रिकॉर्ड हो गई होगी ना, क्लास कहाँ बच रही है। तो देखिए भाई दोनों टर्मों को सेपरेट कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए भाई, ये वन अपॉन बी और वन अपॉन बी क्यू लॉग वन अपॉन बी, इंटीग्रेट दिस विद रेस्पेक्ट टू बी एंड इंटीग्रेट ऑफ दिस। इसका इंटीग्रेशन आपका होता है लॉग एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है आपका लॉग बी। अब वन अपॉन बी को अगर आप कितना मान लो, या लॉग वन अपॉन बी को अगर आप टी मानते हो, वन अपॉन बी को आप कितना मानते हो भाई, टी मानते हो, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा भाई, वन अपॉन बी फिर माइनस का वन अपॉन बी स्क्वायर। तो इसको आप टी मानकर इसका क्या करोगे भाई, इंटीग्रेशन। तो इसको आप टी मान के इसका इंटीग्रेशन करोगे और इंटीग्रेशन करने के बाद में आप किसकी वैल्यू रिप्लेस कर दोगे, बी की वैल्यू, और बी की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है, बाई अपॉन एक्स। तो इसको आप टी मान के इंटीग्रेट करोगे और बाद में आप वैल्यू ऑफ बी रिप्लेस कर दोगे, वैल्यू ऑफ बी है आपकी बाई अपॉन एक्स। तो आप इसको टी मान के इंटीग्रेट करोगे
और बाद में वैल्यू ऑफ बी रिप्लेस कर दोगे और वैल्यू ऑफ बी जो होगी आपकी पाई अपॉन एक्स। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे भाई, हाँ भाई रिजॉइन कीजिए भाई क्लास को, जस्ट अभी रिजॉइन कीजिए क्लास, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब सिमिलर कोई अदर क्वेश्चन भी आप ले सकते हो भाई, उसका इंटीग्रेशन भी आप कर पाओ। तो सिमिलरली आप और भी कोई क्वेश्चन ले पाओगे। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 18 है दिया हुआ है भाई आपका डीवाई बाई डी एक्स बराबर में वाई अपॉन एक्स प्लस का टेन वाई अपॉन एक्स। ठीक है भाई, इस अवकल समीकरण को हल करना है, वाई अपॉन एक्स है, वाई अपॉन एक्स है तो कैसी है भाई ये समघात अवकल समीकरण है। माना वाई अपॉन एक्स बराबर बी, तो y बराबर वी एक्स अवकलन कीजिए भाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा v प्लस x डी वी बाई डी एक्स। तब एक से एक में वैल्यू रिप्लेस कीजिए भाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी v प्लस x डी वी बाई डी एक्स वाई अपॉन एक्स बी प्लस टेन v। सेपरेट कीजिए भाई, v से आपका v कैंसिल, x dv by dx tan v। इंटीग्रेट कीजिए भाई, v वाले पदों को अलग कीजिए, dv के अपॉन में आएगा आपका tan v और dx के अपॉन में आएगा आपका x। tan का उल्टा होगा आपका cot, cot mean cos b upon sin b db cos to dx upon x। आप जानते हो sin b का जो डेरिवेटिव है वो cos b होता है, कहां पे प्रेजेंट है भाई ऊपर, तो sin b को अगर आप t मानोगे तो इसका डेरिवेटिव होगा cos b db। तो 1 upon t का समाकलन कितना होता है भाई log t, तो यानी कि log sin b इक्वल टू लॉग एक्स और इंटीग्रेशन सिंबल लॉग सी। रिप्लेस द वैल्यू ऑफ बी, लॉग साइन बी इक्वल टू लॉग एक्स सी, लॉग से आपका लॉग हट जाएगा भाई, तो साइन बी इक्वल टू एक्स सी, बी बराबर y अपॉन x रखने पर, तो रख दीजिए भाई, तो साइन y अपॉन x इक्वल टू एक्स सी। साइन इनवर्स को उधर ले जा सकते हो, y की वैल्यू निकाल सकते हो जो कि दिए हुए अवकल समीकरण का अभिष्टल है, तो y की वैल्यू आप चाहो तो निकाल देना यहाँ से, तो y की वैल्यू आएगी आपके y इक्वल टू x साइन इनवर्स एक्स सी जो कि दिए हुए अवकल समीकरण का अभिष्टल है, जो कि दिए हुए अवकल समीकरण का जो कि दिए हुए अवकल समीकरण का अभिष्टल है, जो कि दिए हुए अवकल समीकरण का अभिष्टल है। इस प्रकार आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे भाई। ऐसे ही आपका एक और क्वेश्चन दिया हुआ है भाई लॉग वाले पदों में, क्वेश्चन नंबर 19, एक्स डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई लॉग बाई लॉग एक्स प्लस का वन, राजस्थान यूनिवर्सिटी 2007,
2007 में आया वो क्वेश्चन है भाई, एक्स डिवाइड कीजिए भाई, डी वाई बाई डी एक्स, वाई अपॉन एक्स लॉग एम माइनस एन लॉग एम अपॉन एन प्लस का वन, लॉग एम माइनस एन लॉग एम अपॉन एन, ये वाई अपॉन एक्स, तो वाई अपॉन एक्स में कन्वर्ट हो गया समघात अवकल समीकरण, उपरोक्त अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण है। तो माना y बराबर vx, माना y बराबर bx, जब y बराबर bx निकल के आएगा तो यहां से अब आप वैल्यू निकाल पाओगे dy by dx के एंड d2y by dx स्क्वायर के। तो दिस एम्प्लाई dy by dx, x का अवकलन एक, b एज ए कॉन्स्टेंट, सेकेंड केस में x कॉन्स्टेंट, b का अवकलन होगा dv by dx, तब एक से भाई एक में वैल्यू रखिए भाई, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, वाई अपॉन एक्स इक्व टू है आपका v, ये हो जाएगा आपका log v प्लस का वन, log v प्लस का वन। अब देखिए v और यहाँ से भी v, तो v से आपका v कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा आपके पास x डी वी बाई डी एक्स इक्व टू v log v, डिवाइड कीजिए भाई db अपॉन v log v dx अपॉन x, चरों का पृथक्करण और समाकलन कीजिए भाई। अब समाकलन कैसे करोगे भाई इसका, log v को t मानकर समाकलन करोगे आप, कैसे करोगे, ये log v है इसको क्या मानोगे t, माना log v बराबर t, तो वन अपॉन बी डी बी बराबर डी टी कीजिए भाई, तो देयरफोर ये आ जाएगा आपका डी टी अपॉन बी, इसका मान कितना है टी सॉरी, और इसका इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स, इंटीग्रेट कीजिए भाई, इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग टी और ये होगा लॉग एक्स प्लस का लॉग सी, तो लॉग एम एन, तो टी इक्व टू हो जाएगा आपका एक्स सी, वैल्यू ऑफ टी कितनी है भाई आपकी लॉग बी इक्व टू एक्स सी, वैल्यू ऑफ बी कितनी है भाई आपकी, वैल्यू ऑफ बी है वाई अपॉन एक्स इक्व टू एक्स सी, एंटी लॉग लीजिए भाई वाई इक्व टू एक्स ए की पावर एक्स सी, जो कि दिए हुए अवकल समीकरण का अभिष्ट हल है, जो कि दिए हुए अवकल समीकरण का अभिष्ट हल है। तो इस प्रकार आप दिए हुए अवकल समीकरण का क्या निकाल पाओगे भाई, अभिष्ट हल। तो अब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे का चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब तक के लिए आपको धन्यवाद, नमस्कार, कल मिलेंगे।